ट्राइकोडर्मा एक बहुत ही अच्छा फफूंद होता है किसानों के लिए। ये वैसे ना बहुत सी बीमारी होती है जिससे वो किसानों की फसल की सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हम सिंपली भाषा में करें, आप या जैविक खेती करें या फिर रासायनिक खेती करें, तो एक ऐसे मित्र फफूंद है जो कि बहुत ही बेहतरीन फफूंद है। तथा ये बहुत से जितने भी जड़ से संबंधित या फिर भूमि से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम आते हैं, इसके साथ साथ कुछ बाहरी फफूंद को भी कंट्रोल करने में किसानों की मदद करता है। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ट्राइकोडर्मा की लगभग 6 या 60 प्रजाति है जिसको ना वैज्ञानिकों ने खोज करी है किसानों के लिए। लेकिन उसमें से 2 प्रजाति ऐसे है जो बहुत ही कारगर साबित हुआ है तथा बहुत ही इजीली तरीके से वो अपने आप को हमारे जो इंडिया की इन्वायरमेंट है उसमें इजीली से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्राइकोडर्मा की ऐसी 2 वेरायटी है। पहला होता है ट्राइकोडर्मा विरिडी तथा दूसरा होता है ट्राइकोडर्मा हाइंजाइम। तो ये जो 2 वेरायटी है ये बहुत ही बेहतरीन वेरायटी है तथा ये किसानों के बहुत से ऐसे रोग होते हैं, जैसे कि मैं ना आपको बता दूँ, उकटा रोग होता है जो सबसे पहले, उसके बाद जड़ की गलने की जो समस्या होती है, अदरक की अगर मैं बात करूँ जो उसका कंद सड़ने की होती है, तथा ऐसे बहुत से बीमारी जो मिट्टी जनित होती है तथा जड़ वगैरह को जो बहुत नुकसान करता है, जिसको हम लोग कोई केमिकली के तरह से पूरी 100% तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि वो ना यार मिट्टी में दबा होता है। मिट्टी में जड़ दबे होने के चलते कोई भी केमिकल इतना ज़्यादा इफेक्टिव काम नहीं करता। लेकिन ये जो ट्राइकोडर्मा जो फफूंद है ये क्या करता है कि जड़ के आसपास अपने आप को डेवलप कर सकता है। इसको हम लोग मिट्टी के जिस क्षेत्र में डालें वहाँ अपने आप को ये डेवलप कर सकता है। तो इसका उपयोग हम लोग कई स्टेज में कर सकते हैं। तो आज के ना वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल तरीके से जानेंगे कि हम ट्राइकोडर्मा को हम किस तरह से उपयोग करें, कौन से फसल के स्टेज में उपयोग करें, कितनी मात्रा में उपयोग करें तथा हम लोग इसका कैसे मल्टीप्लाई करें, इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल से जानेंगे। मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो जितने भी ये मित्र फफूंद होता है, तो मित्र फफूंद का उपयोग करने में उसके 1 हफ्ता पहले या 1 हफ्ते बाद हमको कोई भी फंगीसाइड का उपयोग नहीं करना है। ये ना बात को आपको हमेशा याद रखना है, चाहे आप इस चाहे ना यार मैं ना बात करूँ मेटारिजिया मेलिसोपली की बात करूँ या फिर जो बवेरिया बेसियाना की मैं बात करूँ या फिर जो अपना ट्राइकोडर्मा है, तथा इसके साथ साथ आगे और भी जितने भी मित्र फफूंद के बारे में आपको बताऊँगा, तो उसमें एक बात हमेशा लागू होती है कि इसका उपयोग करने के 1 हफ्ता पहले तथा 1 हफ्ते बाद हमको कोई भी फफूंद नाशी का उपयोग नहीं करना है। तो इसको ना मैं ना पहले मल्टीप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ कि हमको 1 एकड़ का मैं आपको डोज बता देता हूँ। 1 एकड़ में आपको 1 से लेकर 2-3 किलो आप जितना भी ले पाएं, लेकिन 1 से अधिक लेना रहता है। सिंपल रहता है कि आपको एक गोबर की सड़ी गली अच्छी सी खाद लेना है, उसमें आपको डाल के ना उसमें हल्का से नमी बढ़ाना, कम से कम 50% नमी आपको गोबर में रखनी रहती है। उसको 1-2 हफ्ते में फिर से आप उसमें फावड़े से उसको पलटते रहें मिक्स करके, और उसको टाट से ढक दें या फिर कोई छांव में रखें, ऐसे ना छांव ना जगह में रखें और उसको टाट में ढक दें जिसमें आप पानी वगैरह डालते रहें, तो आप देखेंगे कि 20 से 25 दिन बाद वो पूरी तरह से ग्रीन कलर के एक कवक में आपके जो गोबर रहेगी पूरी तरह से छा जाएगा। तो आप समझ जाना कि आपका जो ट्राइकोडर्मा वीडी या हाइंजाइम जो भी है वो मल्टीप्लाई हो चुका है। तो अब इसको ना देने का तरीका हम लोग देखते हैं। इसको देने का तरीका ये रहता है कि आप उसको या तो मिट्टी में डाल सकते हो, सिंपली आप अगर गोबर में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उसको मिट्टी में डालना रहता है, लेकिन आप उसको मिट्टी में नहीं डालना चाहते हो गोबर के थ्रू, तो आप उसको गुड़ और पानी के साथ भी आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ना यार देखते हैं कि ये कौन कौन से बीमारी में असर करता है। जड़ से ना संबंधित जितने भी बीमारी होती है, जैसे जड़ का गलन हुआ और तना का गलन हुआ, इसके बाद जो प्रकंद का गलन होता है, जैसे अदरक में आपको असर देखने को मिलता है, अदरक के साथ साथ जो केले वगैरह, ऐसी बहुत से फसल होते हैं जिसमें जड़ गलने की समस्या आ जाती है। तो मिट्टी जनित जितनी भी बीमारी है तथा जितने भी ऐसे फसल है जिसमें ये रोग आते हैं, तो मैं आपको पार्टिकुलर क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपको कोई पार्टिकुलर फसल को नहीं लेना है कि कोई पार्टिकुलर ऐसी जड़ संबंधी बीमारी को नहीं लेना है। जहाँ भी जड़ संबंधी बीमारी कोई भी फसल में लगता है तो आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग करिए, चाहे प्याज, चाहे तो आप उसको प्याज में करिए, चने का जो उकटा रोग होता है उसमें करिए, प्याज का जो जड़ी गलती है उसमें करिए, लहसुन में करिए, जितने भी आपके जो भी आप फसल लेते हैं जिसमें तने गलन या फिर जड़ गलने की समस्या आती है उसमें ट्राइकोडर्मा का आपको उपयोग कर सकते हैं। इसके जो कुछ ऊपरी फफूंद होते हैं जैसे कि झुलसा रोग वगैरह होता है, तो इसमें भी ट्राइकोडर्मा काम करता है। क्या होता है कि झुलसा रोग वगैरह में हमको इसको स्प्रे करना रहता है। इसको स्प्रे करने के लिए आपको 5 ग्राम पर लीटर लेना रहता है, या तो आप उसको पहले से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं गुड़ के साथ, तो कुछ मात्रा आप कम भी करके उसको डाल सकते हैं। तो जड़ संबंधी तथा बाहरी दोनों में ये काम करता है। तो फिर अपने यार देखते हैं कि हम लोग इसको किस किस कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। मैंने यार आपको फिर एक बार क्लियर कर देता हूँ कि इसका उपयोग आप बीज के उपचार में कर सकते हैं, जो आपका नर
जो आपका पौध होता है उसको उपचार में कर सकते हैं। आप कटिंग लगाते हैं तो कटिंग का उपचार कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्रकंद वगैरह लगाते हैं जैसे अदरक या हुआ और फिर जो होता है जो कंद कंद वर्ग के जितने भी फसल होते हैं उसका भी उपयोग आप बीज उपचार करके इसमें उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर इसका उपयोग करते हैं तो ट्राइकोडर्मा भूमि जनित जितनी भी आपकी बीमारी है उसको ये क्लियर करेगा। तो इसके ना मोड ऑफ एक्शन को देखते हैं कि किस तरह से हमारे फसल में काम करता है। एक्चुअल में ये भी एक फफूंद होता है और जो बीमारी हमारे में लगती है वो भी एक फफूंद होता है। तो ये ना क्या करता है कि ये वो जो फफूंद होता है तो फफूंद के ऊपर आक्रमण करता है, कुछ ऐसे एंजाइम डालता है तो वो फफूंद मर जाते हैं। इसके साथ साथ जो ये कार्बन में रहते हैं जमीन के कार्बन में ये फफूंद फैलते हैं। तो जब ये कार्बन में फैलते हैं तो ये कुछ ऐसे विषाक्त एंजाइम भी छोड़ते हैं जो बाहरी फफूंद जो होते हैं जो जो फसल को नुकसान करते हैं वो भी उसमें ख़त्म हो जाते हैं। तो ये दो ठोना तरीका करता है, एक तो ऐसे विषाक्त पदार्थ छोड़ देता है जिससे फफूंद मरता है, दूसरा ये रहता है कि फफूंद के बॉडी में एक ऐसे एंजाइम डाल के उसके अंदर घुस के उसको भी नुकसान कर देता है ना, हो गया उसके मोड ऑफ एक्शन। इस तरह से वो फफूंद को रोकता है। और ये जो हमारे जड़ क्षेत्र में होता है जड़ क्षेत्र के आसपास एक राउंडिंग ये एक सुरक्षा जाल बना देता है तो कि बाहरी कोई भी फफूंद नहीं पनक सकता। रही बात आप अगर इसका कंटिन्यू उपयोग करते हैं, मैंने यार आपको बोला कि ये कार्बन में जीवित रहते हैं, तो जैसे ही आपके कार्बन में जितना भी आपके खेत में जितना ज़्यादा कार्बन है उतना अच्छे तरीके से फैलेंगे और एक साल दो साल तीन साल भी जीवित रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दूँ कोई भी जैसे कि बैक्टीरिया ब्लास्ट जैसे होता है धान का जैसे ब्लास्ट होता है तो उसमें सिंपली कहा जाता है कि ब्लास्ट जो आपके पुराने फसल के अवशेष में है या फिर आपके मेड़ के घास में होते हैं तो ऐसी टाइप से जो बताया जाता है। तो ऐसे ये मित्र फफूंद भी जो हमारे खेत के घास वगैरह हुआ या फिर कार्बन में जीवित रह के ये नेक्स्ट ईयर भी आगे की ईयर में भी ये हमको मदद करते रहते हैं। तो हालांकि आपको अगले ईयर और भी डालो तब भी चलता है, नहीं भी अगर आप डालते हैं तो कुछ हद तक ये जीवित रहते हैं और हमारे आगामी फसल में भी ये मदद करते रहते हैं। तो ट्राइकोडर्मा आप जब भी मार्केट से खरीदें, ट्राइकोडर्मा में अगर आपको बता दूं मार्केट में मिलता है, अमेजोन में भी मिलता है, चाहे तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ इसको आपको चुके भी के है ना कृषि विकास केंद्र जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में होती है वहाँ मिलेगा। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भी आपके आसपास में है वहाँ पर भी ये मिलेगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्या होती है कि आप अगर आप कंटिन्यू उनसे जुड़े हुए हो, आप ऑर्डर देते हो तब वो बनाते हैं और पहले से भी बना के रखते हैं रखने को, लेकिन आप अगर ऑर्डर देते हो तो वो आपको ताजे ट्राइकोडर्मा मेटरिजियम एरिशॉपली और उसके बाद बवेरिया वेसियाना ऐसे जितने भी मित्र फफूंद हैं वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। उनके साथ साथ ये वायरस हुआ, इसके साथ साथ ट्राइकोगार्मा का एक मित्र कीट आता है ना, ट्राइकोडर्मा फफूंद है, ट्राइकोगार्मा मित्र कीट है, ट्राइकोडर्मा मित्र फफूंद है, ट्राइकोगार्मा उसके भी ना यार मैं आपको बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, वो मित्र कीट होता है। तो ऐसे वो लोग ना जो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप संपर्क करें वहाँ बेहतरीन तरीके से मिलता है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के जो आरईओ होते हैं ना कृषि विस्तार अधिकारी वो भी आपको उपलब्ध कराते हैं। तो आप जब भी ये प्रोडक्ट है आप मार्केट से खरीदें, कहीं भी सरकार ने ट्राइकोडर्मा के लिए एक मानक निर्धारित किया है जो ये है। इस टाइप से अगर मानक जो जो कि इसमें आप CFU जैसे कि देख रहे हैं जो कि मैंने आपको बोला कॉलोनी फार्मिंग यूनिट जो होती है CFU, ये CFU बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो मैं दोनों वीडियो में आपको डिटेल बता चुका हूँ। इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ पर ग्राम में कितनी मात्रा में जीवित जीवाणु बैक्टीरिया या फिर जो भी है फफूंद उसको उसको डिफाइन करता है CFU का मानक है ना। तो CFU जितना अच्छा रहा ये वाला निर्धारित मानक गवर्नमेंट ने करी है, तो कोई भी ट्राइकोडर्मा में इससे कम का मिलता है तो आप उसको ना लें, ज़्यादा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है उसको आप ले सकते हैं। तो ट्राइकोडर्मा से संबंधित आपके और भी कोई सवाल होते हैं तो नीचे कमेंट में करिएगा। तथा आज का यार वीडियो आपको अच्छा लगा तो यार प्लीज़ लाइक कर देना और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि खेती से संबंधित इस तरह की वीडियो ये वाला चैनल पे आते रहते हैं। तो यार वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।